बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ताहिर द 12 मैन। PSL 6 की अपडेट्स रोज़ बर रोज़ आई जा रही हैं। प्लेयर्स ने क्वारंटीन शुरू कर दिया है अबू धाबी के अंदर। खूबसूरत होटल में जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने अपने उस पर पेजेस पे वीडियोज़ डाल रहे हैं। कुछ ऑफिशल्स जो हैं वो वीडियोज़ डाल रहे हैं। खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, किसी की गैलरी बैल्कनी से नज़र आ रहा है, सी साइड का व्यू नज़र आ रहा है, किसी की बैल्कनी से गोल्फ का व्यू नज़र आ रहा है। जबकि डिफरेंट डिफरेंट होटल्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सादियात रुटैनन जो एक होटल है वहाँ की जो रिजॉर्ट है बेसिकली, और एक और एक होटल है कि जहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर जो कॉमेडिटर जो हैं, जो हज़रात जिस होटल में रुके हैं वहाँ से गोल्फ का व्यू नज़र आ रहा है और ज़बरदस्त आउटफील्ड नज़र आ रही है गोल्फ की। माना कि हम गोल्फ तो वहाँ खेलना नहीं है, लेकिन जो PSL 6 की रिमेनिंग मैचेस हैं, जो 6 एडिशंस होगा वो ऑब्वियसली वो एक देखने के काबिल है। और कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे मुकम्मल जो रिमेनिंग मैचेस के स्केड्यूल, क्वालिफाइंग राउंड, क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल की डेट्स फाइनल करता है, और कौन कौन उन डेट्स पे और मैच ऑफिशल्स वहाँ होंगे तो उनकी उनकी ड्यूटी लगाई जाएंगी, वो एक डिफरेंट ही नज़र आएगी। साथ साथ एक और अपडेट मैं देता चलूँ आपको कि जो क्रू इंडिया से था वो बाज़ाहिर इंडिया से अब अबू धाबी लैंड कर चुका है। साथ साथ साउथ अफ्रीका से आने वाले जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पर एशल गिब्स की बात करूँ, डेविड मलान की बात करूँ, और पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं मोहम्मद नवाज़, उनके भी बात करूँ तो वो भी बखैरियत अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं और बहुत जल्द अपने वो होटल पहुँच चुके होंगे और साथ ही क्वारंटीन भी शुरू कर दिया जाएगा। साथ साथ एक और अपडेट बताऊं कि रिसेंटली अभी जिस कंपनी को ब्रिटिश कंपनी को जो बायोसिक्योर बबल का पूरा दिया गया और वहाँ उन्होंने एक अपने प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं कि जिसके ज़रिए एक बैंड तकरीबन सारे लोगों को जो उस बबल्स के अंदर हैं उनको दिया जाएगा और वो बैंड अपने रिस्ट पे लगाएंगे और उससे इंडिकेट होगा कि वो कहाँ मूव हो रहे हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। साथ साथ वो एप्लीकेशन डिफरेंट फ़ोन्स पे होगी और अगर उन्होंने बायोसिक्योर बबल की ब्रीच करने की कोशिश की तो वो अलार्म उनके पास उस टीम के पास जो 24/7 उनको मॉनिटर करेगी वो बच जाएगा। जिसके मैं समझता हूँ अच्छा इकदाम है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि अबू धाबी का जो लॉ है वो बहुत सख्त है। PSL 6 की मैं बात करूं तो अभी तक जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान हैं सरफराज अहमद को वीज़ा नहीं मिल सका है। साथ साथ मोहम्मद हसनैन उनके साथ मौजूद हैं, उनको भी वीज़ा नहीं मिला है, वो एक ही होटल में कयाम है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि एक चार्टर्ड फ्लाइट जो कराची से ट्रैवल करेगी अबू धाबी के लिए, और जो लाहौर के लोग हैं, जो लाहौर में क्वारंटीन है, जिनको जो वहाँ पर बायोसिक्योर बबल के अंदर हैं, जिनके वीज़े नहीं लगे, उनको भी शायद वीज़े लगने के बाद उनको कराची शिफ्ट कर दी जाएगा और फिर एक साथ एक ही होटल से ये लोग सब एक ही चार्टर्ड प्लेन में ट्रैवल करेंगे अबू धाबी के लिए। अब देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब, किस टाइम पे, किस दिन मुकम्मल PSL 6 रिमेनिंग मैचेस के स्केड्यूल का अनाउंस करता है, और जैसे ही अनाउंस करेगा वैसे ही आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश की जाएगी।